मंडप में सोम का ब्याह होगा, वहीं पर राहुल का भी ब्याह कर देंगे। काके मम्मी तू, काके मम्मी तू, ये हमरे बेटे इंगल से नहीं होगा, तुम हमरे पल्ले किसी और को बांध दोगी, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, मैं ये होने नहीं दूंगा। बात तो सुनो अमित। हर ये सब सुनने से पहले, ये सब सुनने के बाद, पहले बात पहले आप कोई नहीं रेडी रोल रोलिंग रोलिंग एक्शन। बात तो सुनो। अरे ये सब सुनने के बाद और सुन, अरे ये सब सुनने के बाद और सब कुछ, सॉरी ये सब सुन कब बाप रे बाप रे। अरे क्या अपनी मम्मी चाकू मारोगे बेटा? अच्छा लगे नहीं हम खून फेरा पहुंचा। अरे क्या पकड़ो चाकू और दूसरे बाप के छाती के अंदर पकड़ो, टिंकर के बिना जिक्र क्या करेंगे। अरे पकड़ो फसाए तो अपने अंदर। देखो ऐसी बातें कर रहे हो बेटा, उठ जाओ। अरे यहाँ से उठकर हम करेंगे क्या? अरे उठा दो मेरी दुनिया से, पकड़ो चाकू और घुसे तो अंदर। अरे बेटा रुक जाओ, उठ जाओ, बात तो सुनो। अरे बात तो सुनो बेटा, उठ जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ बेटा। अरे बेटा देखो हम जो कर रहे हैं ना बेटा। हाँ एक एक सेकंड, चाकू दो मत आप लो सर। डरते डरते जान बूझ के किया। नहीं नहीं वो सर ही ले लेंगे। अच्छा फिर जानबूझ के किया कि पकड़ो चाकू ऐसे। अरे उठ जाओ बेटा, मेरी बात तो सुनो। चलो आ बेटा, बोल बुलाओ कब कब। हम जो कर रहे हैं तुम्हें भले के लिए कर रहे हैं बेटा, लेकिन अरे तुमको विश्वास नहीं है क्या हम पर? बोलो विश्वास नहीं है। अरे सॉरी रोलिंग रोलिंग एक्शन। तुमको विश्वास नहीं है क्या हम पर? अब इतनी मुश्किल सवाल कर कैसे बोले? अरे चुप कर आप, बोलो बेटा विश्वास नहीं है क्या? मम्मी विश्वास तो है पर जो तुम कर रही हो वो। अरे जो हम करना चाहते हैं वो हम करके रहेंगे, तुम बस इतना समझ लो जिस मंडप में सोम का ब्याह होगा उसी मंडप में तुम्हारा भी ब्याह होगा बस। ओके सोम सॉरी राहुल राहुल अपनी जान लेने की कोशिश कर रहा है और उसकी शादी फिक्स कहीं और कर रहे हो, ट्विंकल को उसका दिल अटका हुआ है, क्या कुछ चल रहा है सीन में एग्जैक्टली? वही जैसा आप जानते हैं राहुल अभी बहुत ज़्यादा प्यार करने लगा है ट्विंकल से और ट्विंकल जो है वो उसको उसका इस्तेमाल कर रही है जो अभी तक उसे पता नहीं है और वो बेचारा भावुक होकर अपनी जान देने की कोशिश कर रहा है, मतलब ऐसा नाटक ही कर रहा है लेकिन उसका दिल टूट गया है तो इसलिए वो थोड़ा मुझे मतलब वो चाहता है कि मैं ट्विंकल से ही शादी कराऊं उसकी और मेरा पता नहीं कि मैं क्या सोच रही हूं क्योंकि कुछ ना कुछ तो कंचन के दिमाग में चलता रहता है तो कोई ना कोई तो प्लान है कि मैं चाहती हूं कि ट्विंकल से उसका ब्याह हो लेकिन अब देखते हैं आगे क्या होता है। कहीं ना कहीं सोम की मंडप में ही आप उसकी शादी कराना चाहती हैं? क्योंकि अभी हुआ ये है कि सोम चाहता है कि ट्विंकल से शादी कर ले, गौरा ने भी हाँ कर दी है, गौरा ने खुद जाके प्रस्ताव डाला है सोम और ट्विंकल की शादी का तो नेचुरली अब सोम का ब्याह होगा और जिस मंडप में होगा मैं चाहती हूँ उसी मंडप में राहुल का ब्याह हो जाए ताकि राहुल का भी दिल रहे और शायद वहाँ पे मैं कुछ गफला कुछ कर सकूँ, षड्यंत्र रचा सकूँ कि ट्विंकल की शादी राहुल के साथ हो जाए। मैम ऑडियंस का क्वेश्चन आया है जी, मैम आप इतने फ्रेश रहते हो और इतना एनर्जीफुल रहते हो और इतना मतलब आपकी एक्टिंग में मैम वो तो बोलने की बात ही नहीं है। थैंक यू मैम, उस बारे में आप कुछ बताइएगा, मतलब फ्रेश माइंड, मतलब घर के भी कुछ काम होते हैं टेंशन होता है बट फिर भी आप सेट पे एकदम एनर्जी लेकर आते हैं। मेरा ऐसा है कि मैं बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ अपना काम, ये बहुत खुशकिस्मत हूँ कि जो मेरा प्रोफेशन है उसे मैं बहुत एंजॉय करती हूँ तो घर के तो प्रॉब्लम्स होते हैं जब घर में रहते हैं तो वो अलग बात होती है लेकिन जब मैं सेट पे रहती हूँ मैं बहुत मज़े में रहती हूँ, मुझे काम करना बहुत पसंद है और इसलिए शायद फ्रेश दिखती हूँ क्योंकि जितनी मुश्किल जितना मुश्किल सीन हो जितने ज़्यादा डायलॉग हो मुझे में उतनी ही ज़्यादा एनर्जी आ जाती है तो आई एंजॉय माई वर्क इसलिए ऐसा लगता है। और मैम लास्टली आपकी व्यूअर्स को आप क्या कहना चाहोगे जो आपको इस रोल में बहुत बेहद पसंद करते हैं, आपकी ज्वेलरी हो, आपकी एक्टिंग हो, आपका कॉस्ट्यूम हो, एवरी सिंगल थिंग दे लाइक मैम लाइक वेरी नाइस, तो आप क्या कहना चाहोगे? मैं शुक्रिया कहना चाहूँगी अपने व्यूअर्स को कि मुझे कंचन बुआ के रोल में आप पसंद कर रहे हैं और ये जो मेरा गेटअप है मेरी जो ज्वेलरी है क्योंकि ये थोड़ी शौकीन औरत है
तो मुझे किरदार करने में मज़ा आ रहा है और अच्छा लग रहा है कि आपके भी रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं, व्यूअर्स के फीडबैक आ रहा है कि कंचन बुआ उनको पसंद है। तो ऐसे ही मुझे पसंद करते रहिए और देखते रहिए मेरी सास भूत है, शाम 7:30 बजे स्टार भारत पर। थैंक यू। हाँ हाँ हाँ, देखते रहिए मेरी सास भूत है, शाम 7:30 बजे मंडे टू फ्राइडे स्टार भारत पर। थैंक यू।